आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपके फ़ोन में यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन आती है, ऐसे पॉपअप आ जाता है, समवन हैज़ एक्सेस टू योर स्क्रीन ऐसा बोलता है। तो यहाँ पर ये क्यों आपको दिखाई देता है और इसे कैसे यहाँ पर सॉल्व करना है बताऊंगा इस वीडियो में, और ये क्या होता है बताऊंगा। तो अगर आप स्किप करेंगे, वीडियो आगे बढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा और आपको क्या करना है बताऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर गाइस, अगर आपका ऐसा ऑप्शन आता है, सबसे पहली चीज़ आपको करना है, आपको जितने भी ओ टी पी मैसेजेस होते हैं वो आपको बिल्कुल भी ओपन नहीं करना है। अगर स्क्रीन पर आता है तो इसे आपको फ़ौरन हटा देना है। अगर आपको ऐसा पॉपअप आता है तो गाइस, आपकी जो स्क्रीन है वो पूरी कोई ना कोई यूज़ कर रहा है, कोई ना कोई आपका जो स्क्रीन है वो यहाँ पर देखने की कोशिश कर रहा है, एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है। तो आपको सबसे पहली चीज़, मैसेजेस वगैरह पूरे ओपन नहीं करना है, कोई भी ओ टी पीज वगैरह ओपन नहीं करना है, बैंक डिटेल वगैरह फ़ोन में कुछ भी ओपन नहीं करना है। आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करके ही यहाँ पर आपको सब करना है। तो आपको ये सबसे पहली चीज़ आपको बता दूँ ये क्यों आपको दिखाई देता है। अगर आपने कोई भी ऐसी एप्लीकेशन डाली है जो कि स्क्रीन शेयरिंग की एप्लीकेशन है, तो तब आपको ऐसी यहाँ पर प्रॉब्लम आती है, ऐसा पॉपअप आता है। तो सबसे पहली चीज़ आपको, जो भी एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल किया है वो आपको जल्दी से डिलीट करना पड़ेगा, अनइंस्टॉल करना पड़ेगा, तभी ऑप्शन जाएगा। अगर ये एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल नहीं किया है तो इसका मतलब कोई ना कोई आपका फ़ोन यहाँ पर स्क्रीन लेने की कोशिश कर रहा है। तो आपको ध्यान रखना होगा और वो एप्लीकेशन आपको तलाश करना होगा आपके फ़ोन में ही, एप्लीकेशन को ढूंढ कर ही आपको अनइंस्टॉल करना है, डिलीट करना है, तभी ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी, ये तभी यहाँ पर ये जाएगा। तो यहाँ पर गाइस, ये गूगल की तरफ से होता है, गूगल यहाँ पर सिक्योरिटी के मामले में बहुत ही स्ट्रिक्ट है गाइस, तो इसीलिए गूगल की तरफ से ही आता है ये। गूगल यहाँ पर हर एक एप्लीकेशन यहाँ पर स्कैन करता है, जिससे आपको पता चलेगा कि कौन सी एप्लीकेशन डेंजर है, कौन सी स्क्रीन शेयरिंग है, कौन सी हैकिंग की एप्लीकेशन है, वो सब बताएगा गूगल। तो इसीलिए आपको क्या करना है, आपके ही फ़ोन में ढूंढना पड़ेगा वो एप्लीकेशन, कौन सी एप्लीकेशन है जो कि स्क्रीन शेयरिंग की है, तो आपको इसे इंस्टॉल करना होगा, डिलीट करना होगा, तभी यहाँ पर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। आपको ऐसे भी मैसेज दिखाएगा कभी कभी, तो ऐसे करके आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तभी आप ओपन कीजिए अपने मैसेजेस, ओटीपीज वगैरह, बैंक डिटेल वगैरह, तब तक आप स्क्रीन पर मत लाइए। तो उम्मीद करता हूँ गाइस आपको समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिए। थैंक यू वेरी मच।